स्टेशन। ये ऊपर क्या हॉस्टल है? नहीं सर, ये ऊपर नहीं राघुशस्त्री समाज को एक नई मंजिल की तरफ मोड़ते हुए उसके विकास में अपना पूरा योगदान दिया। तो आज के सम्मान समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी के रूप में परम आदरणीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मान ग्रहण करते हुए सम्मान में और गौरव की बात बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं। दूसरे वर्ग सम्मान ग्रहण करते हुए नगीना नगर पालिका परिषद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों के माध्यम से सम्मानित होते हैं हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण और सम्मान के रूप में जवाहर नगर पालिका परिषद झालू नगर पंचायत चेयरमैन के रूप में जनाब शहजाद अहमद जी और ईओ श्री इंद्रपाल सिंह जी। इसके पश्चात नेतौर नगर पालिका परिषद चेयरमैन फिरोजा खातून और ईओ श्री शिवराज सिंह जी। नेतौर नगर पालिका परिषद झांसी और बिजनौर ने जो अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है, कानपुर नगर को और उन सभी नगर निकायों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नगर निकायों की स्वच्छता की रैंकिंग में अलग अलग फोकस सेक्टर को ध्यान में रखकर के कुछ विशिष्ट करने का प्रयास किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और आज उनका यहां पर सम्मान हुआ है इसके लिए उन सबका अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन अगर हम बिना बताए चले जाएं तो ऐसे लगता है कि महीनों से उस नगर में या उस कस्बे में सफाई भी नहीं हुई है। आप चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति आपकी एक जवाबदेही है और अगर हम सब इन बातों को नजरअंदाज करते हैं, याद रखना उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है ये बहुत जागरूक मतदाता है, ये बोलता कम है लेकिन समय आने पर उसका जवाब भी देता है और हर एक को देता है। नगरीय क्षेत्रों में कुछ चीजों पर अगर हम ध्यान दे दें, एक नियमित साफ सफाई की व्यवस्था कर लें, वहां के ट्रैफिक मैनेजमेंट को ठीक कर लें, फेरी नीति के अनुरूप जो जगह जगह ठेला खोमचा लगा लेते हैं इनको व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था करके उसको नगर निकाय की आय के साथ उन सबको जोड़ लें, स्ट्रीट लाइट अपना ठीक कर लें, लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था कर लें, तो मुझे लगता है कि आपका जो नगर निकाय है वो एक आदर्श नगर निकाय बन सकता है। कि नगर आयुक्त और महापौर एक संयुक्त टीम बना करके केवल एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम अपने शहर में घूम लें, चेयरमैन और वहां के अधिशासी अधिकारी अपने नगर निकाय में एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम केवल अलग अलग वार्डों का निरीक्षण कर लें और प्रत्येक वार्ड के नोडल अधिकारी नियुक्त कर लें, उनकी जवाबदेही तय हो जाए तो आपका नगर निकाय वास्तव में स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा। पहले चरण में 15 जुलाई से 50 माइक्रोन से
ऊपर की जितने भी प्लास्टिक हैं सबको पूरी तरह प्रतिबंधित करवा दें। ये प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन, अन्य जितना भी ऐसा जो आपके पूरी स्वच्छता मिशन को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहा है, उस प्रकार के प्लास्टिक को 15 जुलाई को एक अपनी तय कर लीजिए डेडलाइन, उसके बाद उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करिए पूरे प्रदेश के अंदर, और पहले चरण में 653 नगर निकायों में तो पूरी तरह इसको प्रतिबंधित कर ही दीजिए। प्रयास होना चाहिए कि पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो, लेकिन नगर निकायों में इसको अनिवार्य रूप से लागू करवाइए, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए आपको कूड़ा दिखाई देगा, उस कूड़े में आप एक हवा का झोंक चलता है, कहीं आप सफाई करते हो वही प्लास्टिक उड़ करके जाता है, पूरी सफाई को एक बार पुनः गंदगी में बदल देता है। हम जब सफाई करते हैं तो मैं अक्सर देखता हूं आपके वार्ड में सफाई होती है, किसी मोहल्ले में सफाई करते हैं, उस सफाई को ले जाकर के कूड़ा को किसी पार्क में गिरा देते हैं, किसी खाली प्लॉट में गिरा देते हैं, किसी चौराहे पर गिरा देते हैं, कार्य ना हो। जब स्वच्छता का हो, अपने अपने नगर निकायों में एक बात इसको सुनिश्चित करें कि स्वच्छता का मतलब गंदगी कहीं ना दिखे, न घर के अंदर न घर के बाहर, न नाली के अंदर न सड़क पर, न चौराहे पर हो, न किसी प्लॉट पर हो और न किसी पार्क में हो। जहां भी गंदगी दिखे उसको एक बार सफाई करके और घर मोहल्ले में जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता की कमेटियां स्थापित होनी थी, बननी थी, उसको बना करके लोगों का सहयोग कीजिए।